ऑलराइट, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, खास करके जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में या ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपनी पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ में, और लाइक करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज़ है, आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब आपका ट्रेड सही जा रहा होता है तब आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर तब करता है जब आप गलत हो रहे हो, आपका ट्रेड गलत जा रहा हो और आप लॉस में हो रहे हो, तब आप कितना पैसा अपनी जेब से दे रहे हो, कितना पैसा आपकी जेब से जा रहा है, ये मैटर करता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाला हूँ। देखो, ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह होता है। जिस तरह से एक बिजनेस होता है उसमें आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ों का स्टाफ लगता है, उसके बाद एक बिजनेस रन होता है एंड कुछ सालों के बाद वो बिजनेस प्रॉफिटेबल आता है। आप देखेंगे आज के डेट में बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सबसे बड़ा एग्जांपल पेटीएम का ले सकते हो, इनके जैसे पेटीएम वाले बिजनेस जो हैं, भारत पे जैसे बिजनेस जो हैं, आज के टाइम पे लॉस में हैं। क्यों लॉस में है? क्योंकि वो एक बिजनेस है, आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल होंगे। तो सेम उसी तरह से एक ट्रेडिंग जो है ये भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। वो आपने डायलॉगबाजी सुनी है ना कि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। पैसा बनेगा, नहीं पैसा तो बनेगा भाई, लेकिन बहुत रिस्की है, रिस्क है तो इश्क है, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। रिस्क है तो इश्क है, ये सब हवाबाजी अगर आप सुन के आ रहे हो और रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे हो कि भाई रिस्क है तभी तो इश्क है, आज रिस्क लेंगे तभी तो पैसा आएगा ना, तब ये माइंडसेट आपको डुबा डालेगा। ट्रेडिंग में आप दो दिन नहीं टिक पाओगे, ये माइंडसेट आपको नहीं चलना है। मैं आपको कुछ एकदम पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जिन पॉइंट को आपको फॉलो करना है एंड उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में देखोगे कि आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। देखो, लॉस जो है ना हर एक ट्रेडर का होता है, चाहे वो बंदा कितने ही दिनों से ट्रेड कर रहा हो, 10 साल से कर रहा हो, 50 साल से ट्रेड कर रहा हो, हर एक बंदे का ट्रेडिंग में लॉस होता है। यूट्यूब पे जो बहुत सारे यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं, रोज लाइव वीडियो डालते हैं, रोज के रोज प्रॉफिट हो रहा है उनका, वो एक्चुअल में झूठ होता है। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं मैंने आज तक देखा जो बंदा बिना लॉस किए या बिना, मतलब जो 5 दिन होते हैं ना, बिना 5 के 5 दिन कोई लॉस ना खाए, या महीने के 20-21 दिन जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसमें लॉस ना खाए, ऐसा मैंने एक भी ट्रेडर नहीं देखा आज तक। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसने 100 ट्रेड किए हो पूरे महीने में या पूरे साल में और उसके 100 के 100 ही सही गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी ट्रेडर होता है वो सिर्फ 60-70% टाइम ही सही होता है, बाकी टाइम वो गलत ही होता है, ठीक है। लेकिन कई ट्रेडर जो है वो 50% टाइम भी सही होते हैं और 50% टाइम पे गलत होते हैं, तब पर भी वो बंदे प्रॉफिट में होते हैं। कैसे प्रॉफिट में होते हैं वो मैं अभी आगे इसी वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अगर आपकी जो रिस्क, मतलब आपका जो ट्रेडिंग है वो 50% से कम है, मतलब आपका ट्रेडिंग जो रेशियो है वो आपका एक्यूरेट 50% से कम है, तब आपको ट्रेडिंग रोक कर अपनी एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए। आप जो भी जिस भी तरीके से ट्रेड प्लान करते हो उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो गाइज, अब उसके लिए आपको ना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि आप जितने का रिस्क ले रहे हो उसका डबल आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सपोज करो आपने 5 रुपए का रिस्क लिया तो आपको रिवॉर्ड में 10 रुपए मिलना चाहिए, तभी आप एक ट्रेडर अच्छे से बन पाओगे और प्रॉफिटेबल बन पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल ये है कि फॉलो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपरली। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना मिनिमम आपका 1:2 होना चाहिए। अब अगर 1:1 भी है ना तो स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत गड़बड़ है। थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो ले सकते हैं 1:1 का, लेकिन अगर आप बिगनर हो, आप जस्ट अभी सीख ही रहे हो, तो आप 1:1 पे कभी काम मत करना। 1:2 मिनिमम आपके पास होना ही चाहिए। मैक्सिमम आप 3 पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 1:2 से अगर कम है तो आपको ट्रेडिंग नहीं लेना है। अब 1:2 अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं डिटेल कर देता हूं। मान लेते हैं कोई एक स्टॉक है जो आपने 100 पे बाय किया, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, 98 का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, यानी कि 2 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। अब उस केस में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए टारगेट। आप बोलोगे कि 101 होगा, 101 पे मार्केट जा सकता है, ठीक है, 102 पे मार्केट जा सकता है, 103 पे जा सकता है, 110 तक जा सकता है। तो अब अगर 110 जाएगा वो उससे हमें मतलब नहीं है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अगर एक ये 102 से कम है, ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि 101 पर जाके मार्केट पलट सकता है, यहाँ से स्टॉक नीचे आ सकता है, तब आपको उस ट्रेड में नहीं घुसना है।
मिनिमम मैंने क्या बताया, 1:2 होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो 2 रुपए का आप लॉस ले रहे हो तो आपका जो वो ट्रेड है ना वो 4 तक जाना चाहिए, यानी कि 104 तक जब जाएगा तभी आपको वो ट्रेड में घुसना है। अगर वो 102 पर भी जाकर रुक जाता है या 102 तक ही जाएगा, आपको लगता है वहां पे कोई सपोर्ट है, वहां पे कोई पिछले दिन की क्लोजिंग है, तो वहां पर जाकर आपको वो ट्रेड को अवॉइड करना है। आप ऑब्जर्व करो, अगली बार आपको वो काम करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसको अवॉइड ही करना बेहतर होगा। तो गाइज आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना ही है, उससे कम होगा तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं रिस्क पर ट्रेड की, आपको पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो गाइस देखो, जो बड़े प्लेयर हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला है, वॉरेन बफेट है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों के आपने स्पीचेस सुने होंगे, इनफैक्ट बुक्स में भी पढ़ा होगा कि आपको अपनी कैपिटल का ओनली 1% जो है वो रिस्क पे डालना चाहिए, 1% ही आप रिस्क पे डाल सकते हो। लेकिन ये किन लोगों के लिए, जो लोग बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर से मतलब उनके पास करोड़ों रुपए हैं ट्रेडिंग के लिए, तब वो 1% डाल सकते हैं रिस्क पे। लेकिन हमारे और आपके जैसे रिटेल ट्रेडर के पास करोड़ों रुपए का फंड नहीं होता, आई नो हर कोई छोटी मोटी कैपिटल लेकर आता है, तो उन लोगों के लिए ये 1% वाला रूल तो अप्लाई होगा ही नहीं, तो अब वो करें क्या। तो आप इसको 1% से बढ़ाकर 3% कर सकते हो, 3% आप पर ट्रेड पे रिस्क लोगे। अब ये 3% ऐसा नहीं कि 10,000 वाले के बंदे के लिए 3% है, ना जी ना, उनके लिए नहीं है ये। मिनिमम कैपिटल 1,00,000 रुपए आपके पास होगी तब आप पर ट्रेड पे 3% का रिस्क ले सकते हो। और ये मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस एंड फ्यूचर की, जैसे आप ऑप्शन एंड फ्यूचर कर रहे हो, क्योंकि अगर स्टॉक्स में करोगे तो उनकी क्वांटिटी जो कैलकुलेट होती है वो अलग तरीके से होती है। अगर वो जानना है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो अगर आपके पास 1,00,000 रुपए का फंड है, आपके पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल है, तो आप सिर्फ 1 लॉट पे काम करो और 1 लॉट पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3% का आपको देखना है कि रिस्क मेरा कितना बन रहा है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज करो अगर आपने 1,00,000 रुपए का कैपिटल डाला तो आप पर ट्रेड में कितना लॉस बुक कर सकते हो, 3,000 रुपए का पर ट्रेड में आप लॉस बुक कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया ना क्वांटिटी आपको अलग तरीके से कैलकुलेट करनी है, अगर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है वो चीजें क्लियर होंगी होंगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ रूल मैं बताने वाला हूं उसको आपको फॉलो करना है, ये रूल आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। गाइस इसमें सबसे पहला जो रूल आता है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर वो ये है कि आपको अपना ट्रेड प्लान करके चलना है पहले ही। प्लान करने से मेरा मतलब क्या है कि आपने अपनी टेक्निकल एनालिसिस कर ली, आपको लगता है कि स्टॉक्स ऊपर जाएगा या यहाँ से गिरेगा, तो आपको पहले प्लान ये करना है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कितने पॉइंट का बन रहा है, मेरा रिस्क जो है वो कितना बन रहा है, उसी हिसाब से मैं अपना रिवॉर्ड भी सेट करूंगा पहले ही। ऐसा नहीं कि ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया हड़बड़ी में आके और फिर आकर गड़बड़ी हो गई, मतलब हड़बड़ी में एग्जीक्यूट कर दिया, आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो मेरा लॉस है वो 50 पॉइंट का है लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ 40 पॉइंट का ही जाने वाला है, तो उस केस में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, ठीक है। देखो जो लोग, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी कि कई लोग ना 50 ट्रेड करते हैं, मतलब 5 ट्रेड उनका सही जाता है और 5 ट्रेड गलत जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। क्यों प्रॉफिटेबल रहते हैं? क्योंकि वो प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं, वो कभी भी 1:1 पे काम नहीं करते, वो हमेशा 1:2 पे काम करते हैं। यानी कि अगर उनका एक बार मतलब लॉस हो रहा है तो अगर 2 बार उनका लॉस हुआ तो सिर्फ 1 ही बार का लॉस जो प्रॉफिट होगा वो दोनों लॉस रिकवर कर डालेगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत ज्यादा जरूरी है फॉलो करना। सेकंड चीज पोजीशन साइजिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया लॉट्स वगैरह ना आपको बड़े ही ध्यान से सोच समझ के एग्जीक्यूट करना है अपनी कैपिटल के हिसाब से। यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपए डाल रहे हो, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया उसका 3,000 का आपको रिस्क लेना है, तो अब 3,000 में आप देख लेना कि आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो। एक क्वांटिटी यानी कि लॉट्स में बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड होते हैं, तो अगर आप 1 लॉट ले रहे हो, ठीक है, तो 1 लॉट में आपको कितने का लॉस हो रहा है। अगर 3,000 से कम का हो रहा है तो आप अपने लॉट बढ़ा सकते हो उस केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 लॉट में 3,000 का लॉस हो रहा है तो आपको लॉट 1 ही रखना है, चाहे आपका कैपिटल भले ही 1,00,000 का क्यों ना हो। उसके बाद तीसरी चीज स्टॉप लॉस, सबसे ज्यादा जरूरी, स्टॉप लॉस हमेशा डाल के रखना है, दिमाग में नहीं सिस्टम में डाल के रखना है। कई लोग सोचते हैं यहाँ से कैंडल इधर कटेगी तो मैं कट लूंगा, ऐसा नहीं करना भाई मेरे। स्टॉप लॉस ना आपको लॉजिकल डालना है और सिस्टम के अंदर डालना है। स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, उसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कहाँ पे वो वीडियो मिलेगी। चौथी चीज आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे आपको सबसे ज्यादा जरूरी काम करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बिना आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्लियर।
पांचवी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, खासकर जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, वो लोग 55 टू 60 मिनट रूल आप अप्लाई कर लो, अगर इंट्राडे कर रहे हो तब पर भी, कि आपको 45 मिनट एक घंटे के अंदर आपके अगर आपके ट्रेड में मोमेंटम नहीं आ रहा है तो आप उसी टाइम अपने ट्रेड को कट कर दोगे। क्योंकि ऑप्शन जो बायर होते हैं ना, उनके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि इस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा और इतना जल्दी मूव करेगा, ठीक है। अगर मान लो उस डायरेक्शन में वो पूरे दिन में मूव कर गया, ठीक है, यानी कि अगर आपने सुबह ट्रेड किया और शाम में जाकर वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब आपको कोई खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम डीके के कारण आपको हमेशा कोई कॉस्ट पे भी घूमेगा ना तो आपको लॉस ही दिखेगा। तो इसीलिए 60 मिनट का रूल अप्लाई करो, 45 टू 60 मिनट रूल, एंड उस ट्रेड से कट लेने में ही बेहतरीन है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, आपको हमेशा दो ट्रेड पर डे लेना है, रूल बना लो दो ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने हैं पर डे। और दो ट्रेड कैसे लेने, मान लो अगर आपको एक ट्रेड में छोटा प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड ले लेना। अब दूसरे ट्रेड में अगर आपका लॉस हो, प्रॉफिट हो, सिस्टम बंद, ठीक है। उसके बाद में मान लो अगर आपको कोई आते ही बड़ा लॉस हो गया तो भी सिस्टम बंद, ठीक है। अगर आते ही आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया तो भी सिस्टम बंद, यानी कि अगर आपको कभी छोटा प्रॉफिट होता है पहले ट्रेड में तब आप दूसरा ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आते ही बड़ा लॉस हो जाता है या बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तब आपको सिस्टम बंद कर देना, फिर बैठना नहीं है सिस्टम पे, ठीक है, ट्रैक नहीं करना है बार बार। ये चीजें अप्लाई करो और उसके बाद मुझे बताना कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से कितना इंप्रूव हुआ है। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ना मैंने डिटेल में एक प्रॉपर कोर्स बना रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, उस कोर्स को जरूर देखें, ये रहा वो कोर्स। यहाँ पे मैंने ना बेसिक्स जो चीजें हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, सारी चीजें मैंने एकदम सिंप्लीफाई कर दी है। तो आई होप आपको ये चीजें बड़ी पसंद आएगी, एक बार क्लिक कीजिए, देखिए और मुझे फीडबैक जरूर बताइए।